एक बिग डाटा होता है और इसे हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो डाटा इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे सिंगल प्रोसेसर पर सही तरीके से उसकी प्रोसेसिंग नहीं सकते। उससे इसकी स्पीड रिड्यूस होती है और टाइम ज़्यादा यूज होता है। जबकि इसके प्रोडक्ट्स मैं प्रोड्यूस एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन पैरेलल। ये है, ये पैरेलल में होती है और ये इंडिपेंडेंट टास्क में होती है। जिस पर हमारे पास 500 TB डाटा हो तो हमने उसे डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम मैप रिड्यूस यूज़ करते हैं। और मैप रिड्यूस यूज़ होती है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग ही जो अमाउंट ऑफ डाटा। और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसे डिवाइड करने में, उसे मैनेज करने में, उसे और उस पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए हम मैप रिड्यूस यूज़ करते हैं। और इसके दो हिस्से हैं, एक है मैप और एक है रिड्यूस। मैप टास्क डील विद सबमिटिंग एंड मैपिंग ऑफ डाटा, वाइल रिड्यूस टास्क शफल एंड रिड्यूस द डाटा। मैप रिड्यूस कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस स्केलेबिलिटी के ये ये लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को मैनेज करता है, एंड फॉल टॉलरेंस कि इसमें काम कम से कम होता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, मैप रिड्यूस से पहले एक ट्रेडिशनल यूज़ होती थी, जिसमें उस टेक्निक में हमारे पास एक ही प्रोसेसर होता था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक ही प्रोसेसर होता था और उस पर डिफरेंट प्रोसेसर बारी बारी प्रोसेस होते थे, परफॉर्म होते थे। जबकि मैप रिड्यूस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ये अपना डाटा, जिसमें ये अपनी पावर सब में डिवाइड कर देता है और हर हिस्सा अपना टास्क एक ही वक्त में, सेम वक्त में पैरेलली काम करता है, जिससे एक तो टाइम रिड्यूस होता है, तो एक तो कम वक्त में ज़्यादा डाटा प्रोसेस हो जाता है और हमें बड़ा डाटा मैनेज करने में आसानी होती है। परफॉर्मेंस, मैप रिड्यूस प्रोग्राम आर नॉट गारंटी टू बी फास्ट, लाजमी नहीं है कि हमेशा फास्ट हो, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये मैनेजेबल है, इससे हमें से आसानी रहती है डाटा मैनेज करने में। और द पार्टीशन फंक्शन एज अमाउंट ऑफ डाटा रिटर्न बाय मैप फंक्शन कैन हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। एडिशनल मॉड्यूल सच एज कंबाइनर फंक्शन कैन आल्सो टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा रिटर्न टू डिस्क एंड ट्रांसमिटर ओवर द नेटवर्क। और जैसा कि ये ओके बच्चों, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो लिंक अपडेटेड नहीं था, चल गया, सारे मस्ते हाल हो गए हैं। ये लिंक है, इसको ओपन कर लें। वीडियोस यहाँ पे रन करने लगा मैं, वन बाय वन क्वेश्चन यहाँ पे पूछते रहें साथ साथ, और अपनी ऑडियो ऑफ ही रखेगा। क्वेश्चन है तो आप वहाँ से आप चैट में, वहाँ पे यूट्यूब चैट में आप पूछ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज अटेंडेंस क्लास के बाद होगी, जब तक ये मैप रिड्यूस वाली खत्म नहीं हो जाती तब तक सारे बच्चे यहीं पे रहेंगे। और मैप रिड्यूस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक ऐसी प्रोसेसिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें एक बिग डाटा होता है और इसे हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो डाटा इतना ज़्यादा होता है कि हम उसे सिंगल प्रोसेसर पर सही तरीके से उसकी प्रोसेसिंग नहीं सकते। उससे इसकी स्पीड रिड्यूस होती है और टाइम ज़्यादा यूज होता है। जबकि इसके प्रोडक्ट्स मैप रिड्यूस एक ऐसी टेक्निक है, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल डिज़ाइन फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन पैरेलल। ये है, ये पैरेलल में होती है और ये इंडिपेंडेंट टास्क में होती है। जिस पर हमारे पास 500 TB डाटा हो तो हमने उसे डिफरेंट
चंक्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम मैप रिड्यूस यूज़ करते हैं। और मैप रिड्यूस यूज़ होती है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज फॉर प्रोसेसिंग ही जो अमाउंट ऑफ डाटा, और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हो तो उसे डिवाइड करने में, उसे मैनेज करने में, उसे और उस पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए हम मैप रिड्यूस यूज़ करते हैं। और इसके दो हिस्से हैं, एक है मैप और एक है रिड्यूस। मैप टास्क डील विद सेपरेटिंग एंड मैपिंग ऑफ डाटा, वाइल रिड्यूस टास्क शफल एंड रिड्यूस द डाटा। मैप रिड्यूस कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ मैप रिड्यूस स्केलेबिलिटी के ये, ओके ये लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को मैनेज करता है, एंड फॉल्ट टॉलरेंस कि इसमें गलती का इम्कान कम से कम होता है। जैसा कि हम इस एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं, मैप रिड्यूस से पहले एक ट्रेडिशनल यूज़ होती थी जिसमें उस टेक्निक में हमारे पास एक ही प्रोसेसर होता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक ही प्रोसेसर होता था और उस पर डिफरेंट प्रोसेसर बारी बारी प्रोसेस होते थे, परफॉर्म होते थे। जबकि मैप रिड्यूस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ये अपना डाटा, जिसमें ये अपनी पावर सब में डिवाइड कर देता है और हर हिस्सा अपना टास्क एक ही वक्त में, सेम वक्त में पैरेलली काम करता है, जिससे एक तो टाइम रिड्यूस होता है, एक तो कम वक्त में ज़्यादा डाटा प्रोसेस हो जाता है और हमें बड़ा डाटा मैनेज करने में आसानी होती है। परफॉर्मेंस, मैप रिड्यूस प्रोग्राम आर नॉट गारंटीड टू बी फास्ट, लाजमी नहीं है कि ये हमेशा फास्ट हो, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये मैनेजेबल है, इससे हमें से आसानी रहती है डाटा मैनेज करने में। और द पार्टीशन फंक्शन एज अमाउंट ऑफ डाटा रिटर्न बाय मैप फंक्शन कैन हैव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। एडिशनल मॉड्यूल सच एज कंबाइनर फंक्शन कैन आल्सो टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा रिटर्न टू डिस्क एंड ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। और जैसा कि ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और फंक्शन वगैरह यूज़ होते हैं इसमें, जो डिस्क पर डाटा रिड्यूस कर देते हैं। और यूज़ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन डिफरेंट फील्ड्स, यूजफुल इन डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न बेस्ड सर्चिंग, डिस्ट्रीब्यूट सॉर्टिंग, वेब रिवर्सल, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और बहुत से हिस्सों में मशीन ट्रांसलेशन में, और ये बहुत सी हिस्सों में यूज़ होते हैं। उसके कोई फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जाहिर सी बात है कि हम लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए डाटा मैनेज हो जाता है और एक ये एक अच्छी प्रोसेसिंग टेक्निक है। अस्सलामु अलैकुम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैप रिड्यूस। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैप रिड्यूस क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे मैप रिड्यूस के हवाले से। इसके अलावा हम देखेंगे मैप रिड्यूस की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, काम कैसे करता है, और आखिर में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे मैप रिड्यूस के हवाले से। तो सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो होता है कि मैप रिड्यूस क्या है, आखिर मैप रिड्यूस है क्या चीज़। मैप रिड्यूस बेसिकली एक प्रोसेसिंग टेक्निक है जो कि हम अप्लाई करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स पर, ऐसे डेटा सेट्स पर जिनको हम डिवाइड कर सकें स्मॉल चंक्स में, क्योंकि ये अप्लाई होता है बिग डाटा सेट्स पर और ऐसी प्रॉब्लम्स पर जो कि एक प्रोसेसर से, यानी कि आप प्रोसेस नहीं कर सकते, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हमें इन कामों के लिए। तो हम उन्हें स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम उन्हें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर, जिन्हें हम यहाँ पर एज ए नोड रेफर करेंगे, भेज कर वहाँ पर हम उन्हें प्रोसेस कर सकें और उनसे रिजल्ट गेट कर सकें। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं इस डेफिनेशन में, एक क्लस्टर है और दूसरी ग्रिड है। क्लस्टर हम ऐसे लोकल नेटवर्क कंप्यूटर्स को कहते हैं कि ऐसे कंप्यूटर्स जो लोकल नेटवर्क पर हों और सिमिलर हार्डवेयर यूज़ करें, हम ऐसे कंप्यूटर्स को क्लस्टर कहते हैं। और जो कंप्यूटर्स मुख्तलिफ जगह पर जियोग्राफिकल लोकेशंस पर पड़े हों और वो मुख्तलिफ किस्म का हार्डवेयर इस्तेमाल करें, हम उसे ग्रिड का नाम देते हैं। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, और यहाँ पर हम एक कंप्यूटर से मुराद एक नोड लेंगे, तो हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ नोड्स इज कॉल्ड अ क्लस्टर और अ ग्रिड डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन जो वो फुलफिल करेंगे। इसके बाद ये एक पिक्चर है जिसमें
मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल वे है, ये जो है जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये ट्रेडिशनल वे है। इसमें हम एक ही मास्टर नोड पर, यानी कि जहाँ पर डाटा आता है वहाँ पर ही सारे डाटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि अगर बिग डाटा का केस हो तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम इसलिए हमने शिफ्ट किया यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैप रिड्यूस यूज हो रहा है, जिसमें मास्टर नोड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डाटा अलग अलग स्लेव नोड्स पर। स्लेव नोड्स में हर एक में जाके डाटा वहाँ पर प्रोसेस होता है और वहाँ से फिर रिजल्ट हमारे पास वापस आता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों, आखिर क्यों हम इस मैप रिड्यूस को यूज करते हैं। मैप रिड्यूस बेसिकली टेक्निक है बड़े डाटा पर अप्लाई करने के लिए, कि जब हमारे पास इतना बड़ा डाटा हो जाए कि एक प्रोसेसर से ना संभाला जा सके या उसे प्रोसेस ना किया जा सके, इतने बड़े डाटा जैसे कि गूगल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे कि अमेजोन है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। और सिर्फ प्रोसेस ही नहीं करना, इसे स्टोर ही नहीं करना, इसके बाद इस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करना, जिसे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें अबाउट कस्टमर्स, अबाउट देयर कंपनी, अबाउट एनीथिंग दे वांट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, जो कि एक प्रोसेसर से लेना तो बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा हम मैप रिड्यूस की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स पर। नोड से मुराद यह कंप्यूटर है, ताकि उनकी प्रोसेसिंग पावर को हम यूज़ करें और उनसे हम यूजफुल रिजल्ट गेट करें। अगर आप इनको पढ़ें तो इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम मैप रिड्यूस को यूज़ करते हैं। अगर मैं हाईलाइट करूं तो वी यूज मैप रिड्यूस टू ब्रेक अ लार्ज डेटा सेट इंटू स्मॉल ब्लॉक्स, ताकि हम उसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें और पीसीज सो दैट दे कैन बी प्रोसेस्ड इन पैरेलल विद द सेम एल्गोरिदम, ताकि वो प्रोसेस हो सकें सेम एल्गोरिदम के थ्रू। सारी चीजें प्रोसेस हो सके, जितने भी चंक्स ऑफ डाटा हैं वो सारे एक एल्गोरिदम के थ्रू, एल्गोरिदम सेम रहेगा, और तमाम डाटा के चंक्स जो भी हम मुख्तलिफ कंप्यूटर या नोट्स पर भेजेंगे उनको हम प्रोसेस कर सकें। हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं करते हैं क्योंकि मैप रिड्यूस को हम इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डाटा को प्रोसेस कर सकें। अब मैं आगे एक इमेज में आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप देखें कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि डाटा डाटा को हम स्प्लिट करते हैं डाटा चंक्स में, और उसके बाद हम मैप रिड्यूस का फंक्शन अप्लाई या मैप रिड्यूस की टेक्निक अप्लाई करते हैं, जिसमें जिससे आपको जो रिजल्ट मिलता है और उसको आप आगे यूजफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्म्स टू नो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि मैप प्रोड्यूस के हवाले से जानना ज़रूरी है ताकि हमें इसका कुछ यूजफुल नॉलेज हो। सबसे पहले तो मैपर, मैपर बेसिकली मैप प्रोड्यूस में मैप एंड रिड्यूस ये सीक्वेंस में है। पहले मैप फंक्शन काम करता है, फिर रिड्यूस फंक्शन। मैप को हमने मैपर कह दिया, रिड्यूस को रिड्यूसर फंक्शन के तौर पर। मैपर बेसिकली कोई भी फंक्शन की वैल्यू पेयर में मैप और रिड्यूस काम करते हैं। मैप जो इनपुट लेता है वो की वैल्यू पेयर में होती है, और जो आउटपुट देता है वो भी की वैल्यू पेयर में होती है। मैप जो आउटपुट देता है उसे हम इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर कहते हैं, और यही इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर एज एन इनपुट जाता है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो की वैल्यू इनपुट पेयर प्रोड्यूस करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद आती है मास्टर नोड। मास्टर नोड बेसिकली वो नोड है जिसके पास सारा डाटा, सारी प्रोसेसिंग पावर है, और वो आगे स्लेव नोड को जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है और सारा जो मैनेजमेंट का काम है वो मास्टर नोड के पास होता है। स्लेव नोड्स का काम ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इन्होंने डाटा लेके प्रोसेस करना है और उसे वापस भेजना है। जॉब, अब जॉब क्या होती है, जॉब होती है पूरा जो हमारा प्रोग्राम है, जो डाटा आया है उसको एग्जीक्यूट कराना और तमाम नोड्स को देखना, ये एक जॉब है। जबकि हर नोड पर जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसे हम टास्क कहेंगे। जॉब ट्रैकर क्या होगा, एक जॉब को ट्रैक करने वाला, रिसोर्सेज को ट्रैक करने वाला जॉब ट्रैकर है, जबकि टास्क ट्रैकर हर ट्रैक टास्क को ट्रैक करने वाला कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी चीज जो हर टास्क की इन्फो ले और जॉब ट्रैकर को इन्फॉर्म करे उसे हम टास्क ट्रैकर कहेंगे। आगे हमारे पास ब्रीफ वर्किंग में आ जाता है। मैप रिड्यूस बेसिकली दो फेजेस में काम करता है, मैप और रिड्यूस। मैप फेज में क्या होता है कि हम इनपुट बना के मैप को देते हैं, उससे जो इंटरमीडिएट आउटपुट निकलती है वो हम रिड्यूस फंक्शन को एज एन इनपुट देते हैं, और उसके बाद रिड्यूस फंक्शन हमें आउटपुट में की वैल्यू पेयर जनरेट करके देता है। ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैप रिड्यूस की जॉब जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होती है, उसका फ्लो क्या है। इनपुट डाटा आता है, उसके बाद इनपुट फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट हो हम उसको उसके मुताबिक ढालते हैं, उसके बाद हम उसे स्प्लिट करते हैं फाइल को, और उसके बाद रिकॉर्ड रीडर के थ्रू हम उसे की वैल्यू पेयर्स में डिवाइड करते हैं और मैपर को पहुंचा देते हैं। मैपर जो भी प्रोसेसिंग करना चाहे, मैपर और रिड्यूसर जो दो फंक्शन होते हैं ये हमने डिफाइन करने होते हैं, हम उन पे क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं उसके बाद वो कंबाइनर और पार्टिशनर के थ्रू
शफलिंग एंड सॉर्टिंग तक के फेज तक पहुंचते हैं, जो कि आगे रिड्यूस फेज को फीडबैक फीड देता है, और उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट कैसा भी आप चाहें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको बाद में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे मैप प्रोड्यूस के बारे में। पहले मैंने आपको उसका एक जनरल ओवरव्यू दिया है, जनरल एग्जीक्यूशन फ्लो दिखाई है, जो कि अब हम जरा एग्जांपल के साथ देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट में एक डाटा फाइल होगी। यहाँ हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स को जो हमारी फाइल में है, तो उस पे हमने मैप प्रोड्यूस का जो है सारा फिनोमिना वो अप्लाई किया है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आ गई एसक्यूएल, DWL, एसक्यूएल, एसक्यूएल, SSIS, SSRS और जो भी ये सारी फाइल है। इसके बाद हमने इसे सप्लिट किया। सप्लिट किस बेस पे किया, बैक स्लैशन, जहाँ पर लाइन आपकी एंड हो आप इसे सप्लिट कर दें। तो सप्लिटर ने क्या किया, उसे सप्लिट कर दिया। उसके बाद हमने सप्लिटर के बाद यहाँ पर एक और रिकॉर्ड रीडर का फंक्शन आता है, वो हमने मिक्स कर दिया मैप के साथ ही, क्योंकि उसका काम होता है कि वो की वैल्यू पेयर्स बना के मैप को दे, तो उसने की वैल्यू पेयर्स इसमें एब्जॉर्प्शन है ताकि हम इसे सिंपलीफाई रख सकें एग्जाम्पल को जितना हम चाहें। तो हमने सप्लिट के बाद मैं रिकॉर्ड रीडर जो है उसे की वैल्यू पेयर्स बनाए और मैप को दे दिए। मैप ने अपनी की वैल्यू पेयर्स की जो है वो लिस्ट बना ली। मैप का जो भी काम होगा वो परफॉर्म करेगा और उसके बाद कंबाइनर के पास चला जाएगा। कंबाइनर क्या करेगा, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है SQL1 DW1 SQL1। अब SQL1 दो दफा आया तो कंबाइनर ने क्या किया, SQL1 को कोमा टू कर दिया। ये बेसिकली SQL1 DW1 क्यों है, ये इनकी अक्रेंसीज है, कितनी बार ये लिस्ट में अक्र हुए हैं। जैसे ये देखिए SQL DW SQL, अब SQL दो दफा अक्र हुआ था तो उसने दो दफा उसके आगे वन दे दिया। बजाय कि हम उसके आगे दो दफा वन लिखे, हम एक दफा टू लिख देते हैं। ये कंबाइनर का काम है। कंबाइनर को हम मिनी रिड्यूसर भी कहते हैं, कि जिसने हमारे काम को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। ये हमारी कंजेशन कंट्रोल के काम आता है, हमारा जो नेट, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होता है उसके बाद जाना होता है रिड्यूसर पर, उसके बाद आगे, तो जब रिड्यूसर पे जाएगा तो हमारी नेटवर्क की जो बैंड पे था ये कंज्यूम करेगा। तो बजाय कि आप अगर इससे ऐसे समझें कि ये तीन जो लाइंस हैं, तीन लिस्ट में जो एंट्रीज हैं, ये एक एक पैकेट के तौर पर अगर आप इसे समझें, तो पहले हमारे तीन पैकेट भेजने पड़ने थे नेटवर्क में, अब हमें दो भेजने पड़ेंगे। ये तो छोटे लेवल पर एग्जाम्पल है, बड़े लेवल में बिग डाटा में लाखों करोड़ों में पैकेट्स जा रहे होंगे, तो उससे हमारी नेटवर्क की कंजेशन जो है वो कम हो सकती है। इसी तरह नीचे भी कंबाइनर ने अपना काम परफॉर्म किया। इसके बाद हमारे पास पार्टिशनिंग फेज और शफल एंड सॉर्ट फेज आता है। अब जो पार्टिशनिंग और शफल एंड सॉर्ट का, उस पर भी हमने मर्ज कर दिया। पार्टिशनिंग में क्या होता है, हर की के अगेंस्ट तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो एक जगह लिख दी जाती हैं, और सॉर्टिंग में हमने उन्हें सॉर्ट भी कर दिया ऊपर से नीचे तक लेके। आप जैसे कि देख सकते हैं SQL2 ऊपर है, 111 नीचे है, और पार्टिशनिंग में क्या किया, SQL की जितनी एंट्रीज थी वो एक जगह पे रख दी हैं, DW की जितनी एंट्रीज थी वो एक जगह पे रख दी हैं। यानी एक की के अगेंस्ट जितनी वैल्यूज थी, की DW है वैल्यू 1 है, की B1 है वैल्यू 1 है, की SQL है वैल्यू 2 है, एक की के अगेंस्ट जितनी वैल्यूज थी वो एक जगह पे कॉम्बाइन है। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे रिड्यूसर को इनपुट जानी है शफल एंड सॉर्ट के फेज से आगे। तो क्योंकि इसे आगे इनपुट जानी है, तो अब हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि DW एक रिड्यूसर इसको चला जाए और दूसरा DW नीचे वाले को चला जाए। ऐसे तो फिर इनपुट जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, तो रिड्यूसर इंडिपेंडेंट नहीं रह सकेंगे। लिहाजा हमने ऐसे किया कि जो एक इनपुट हो वो एक ही रिड्यूसर के पास जाए, ताकि हर रिड्यूसर इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। आगे रिड्यूसर ने अपना फंक्शन क्या परफॉर्म किया, रिड्यूसर ने जो जो चीज़ें थी प्रोबेबली इसने इनको लिस्ट करके अंदर रखना था, तो रिड्यूसर ने इनके एक लिस्ट बनाई और आउटपुट में दे दी। आउटपुट का फॉर्मेट आप कुछ चूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्वेश्चन होता आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Hello everyone, I hope all of you are fine. So today we are going to cover some fundamental concepts of MapReduce. The methodology will be as depicted. First of all, we will cover some background history before this method, then the brief description of MapReduce. After that, we will cover the workflow of MapReduce and we'll end up with an example. Before this method, huge data was gathered and was converted into smaller blocks. It was stored in different machines and tried to get the result. After getting desired result, all the small blocks were combined to get a final output. So a lot of problems of reliability, time consumption and equal split issues were to be faced. So MapReduce helped to tackle these problems. Let's see what exactly MapReduce is. So MapReduce is a programming model and a way of structuring your computation
that allows it to easily be run on a lot of machines. So the way to think about it is, you have a job to do. If you organize your job in a particular way, means if you organize your computation in a particular way, then it's very easy for the computation to take advantage of huge numbers of machine. So I wipe my job using the MapReduce framework, and then if I have 100,000 of machines available, I can run my job potentially on 100,000 of machines. So it's really a pretty cool and nice thing. The MapReduce program executes in three stages, namely map stage, shuffle stage, and reduce stage. So here comes the map stage. The map or a mapper's job is to process the input data. Generally, the input data is in the form of a file or a directory and is stored in the head of file system. The input file is passed to the mapper's function line by line. The mapper processes the data and creates several small chunks of data. Now let's move towards the reduce stage. This stage is basically a combination of the shuffle stage and the reduce stage. The reducer's job is to process the data that comes from the mapper. After processing it, it produces a new set of output which will be stored in the head of file system. So now come toward the last slide. Here is the example related to this method. Here you can see that we have unorganized data. In the first step, data is split, means it is being divided on different systems. After that, map function executes and tells their individual counts for each individual block. In shuffling process, all blocks shuffles and the similar content has gathered together. After that, reducer summarizes the data, and in the final step, it has been accumulated. Assalamu alaikum, my name is Arish Fatma and I am going to present MapReduce. What is MapReduce? MapReduce एक ऐसा framework और एक software है जो बहुत बड़े data को सबसे पहले clusters में divide करता है और फिर same time में उनके ऊपर execution start करता है. Input and output. इसमें दो function होते हैं, एक map function और एक reduce function. मैप फंक्शन जो इनपुट लेता है वो की वैल्यू पे की फॉर्म में होती है, फिर उसको रीड करने के बाद वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है, और जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो भी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में ही होती है. आगे है रिड्यूस फंक्शन. रिड्यूस फंक्शन किसी एक्सटर्नल सोर्स से इनपुट नहीं लेता, बल्कि जो मैपर फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो रिड्यूस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करती है. फिर उसके ऊपर कोडिंग अप्लाई होती है जो कि डिवेलपर ने की होती है, और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होती है. आगे इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि इनपुट आई पहले वो सबसे पहले मैपर फंक्शन के पास गए, उसके बाद शफलिंग के बाद रिड्यूस हुई और फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस होगी. वर्किंग, इसमें वर्किंग में दो तरह के फेज़ होते हैं, एक मैप और एक रिड्यूस. मैप में आ जाता है सेपरेटिंग और मैपिंग, और रिड्यूस में शफलिंग और रिड्यूसिंग. सेपरेटिंग, सबसे पहले जो डाटा रिड्यूस जो डाटा हम रिसीव करते हैं वो टेक्स्ट फाइल में होता है. उस डाटे को हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, और हर ब्लॉक को नेम दे दिया जाएगा सबलेट का. फिर उसको मैपर के पास सेंड किया जाएगा जो कि उसके ऊपर प्रोसेस करेगा. आगे है मैपिंग. इस फेज़ में क्या होता है कि जो सबलेटिंग ब्लॉक होते हैं उनको एक एक मैपर असाइन हो जाएगा. आमतौर पर यह होता है कि जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ़ मैप जो होते हैं ना सेम होता है, और ये डिपेंड करता है कि जो डाटे का साइज़ कितना है और मेमोरी कितनी है. फिर मैपर असाइन होने के बाद उसके ऊपर जो डिवेलपर ने कोडिंग की होगी वो अप्लाई होगी और आउटपुट प्रोड्यूस होगी. आगे शफलिंग.
शफलिंग में ये होता है कि जब मैपर फंक्शन अपना टास्क कंप्लीट कर देता है तो फिर बारी आती है शफलिंग की। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डेटा के अंदर ब्लॉक्स डेटा के होते हैं जिनका की जो होता है वो सेम होता है, और जिन जिन का की जिन जिन डेटा का की नंबर सेम होगा वो एक ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएगा। और रिड्यूसिंग में क्या होगा कि शफलिंग के बाद ये होगा कि जो जो डेटा जिनकी सेम की होगी उनको हम एग्रीगेट कर देंगे और हमारे पास फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है, उस इनपुट को हमने सबसे पहले 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, फिर उसके बाद बारी आ जाएगी मैप फंक्शन की। इसमें क्या होगा कि जो स्प्लिटिंग डाटा होगा उसको कोई ना कोई की असाइन हो जाएगी, हर डाटा को यहाँ पे की असाइन हो गया, ए को भी, बी को भी, आर को भी। उसके बाद इसको डाटा को शफल कर दिया जाएगा, उसके बाद सॉर्ट कर दिया जाएगा, जो भी सेम डाटा है वो एक ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, जहाँ जहाँ पे भी ए है वो सारा एक ब्लॉक में इकट्ठा हो जाएगा, बी एक ब्लॉक में हो जाएगा, सी सारा एक ब्लॉक में। इस तरह एक सेम ब्लॉक में आने के बाद जो की वैल्यूज़ होगी उनको एग्रीगेट कर दिया जाएगा, और अगर यहाँ पे ए 2 दफ़ा है तो की यहाँ पे 2 हो जाएगी। सेम बाकी सब के साथ भी यही होगा। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि जैसे कि हमने इसमें बहुत सारी मशीन यूज़ की हैं, और इसलिए हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा कि बहुत सारे डाटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाए, बल्कि हम पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल होती है, जिसकी वजह से जो टास्क हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाए तो वो बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा और रिकवर भी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के यूज़ होने की वजह से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो फास्ट हो जाएगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायसेल्फ उस्वा असगर एंड माय रोल नंबर इज 2017CE65। तो आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है मैप रिड्यूस। अब हम देखते हैं कि मैप रिड्यूस क्या होता है। मैप रिड्यूस एक प्रोसेसिंग टेक्निक है, या आप कह सकते हैं इसको एक फ्रेमवर्क है जो हमें लार्ज डाटा की प्रोसेसिंग को अलाउ करता है इन पैरेलल और अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। यहाँ पे क्लस्टर का मतलब ये है कि जो हमारे पास डाटा है वो साथ साथ सॉर्ट हो रहा होता है। इस टेक्निक से पहले भी हमारे पास डाटा की प्रोसेसिंग तो होती थी, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता था वो ये होता था कि प्रोसेसिंग स्लो हो रही होती थी, क्योंकि डाटा सॉर्ट नहीं हो रहा होता था। लेकिन मैप रिड्यूस का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि इसके अंदर डाटा साथ साथ सॉर्ट हो रहा होता है और हमारे पास प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। अब इस स्लाइड में ये बताया हुआ है कि मैप रिड्यूस को 3 स्टेप्स में कंपोज किया गया है। फर्स्ट है मैप प्रोसीजर, सेकंड है शफल, थर्ड है रिड्यूस मेथड। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप मैप प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है। अब जो मैपर है कोई भी इनपुट में जो डाटा ले रहा होगा उसको क्या कर देगा, ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा। अब हर ब्लॉक के अक्रॉस पैरेलल में मैप फंक्शन रन होंगे। अब इन फंक्शंस की जो आउटपुट आएगी वो हमेशा की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होगी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा नेम उस्वा है तो उस्वा एज अ की यूज़ होगा और कॉमा 1 एज अ उसकी वैल्यू यूज़ होगी। इसके अलावा जो मैप प्रोसीजर फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के हैं। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज बाई देयर ID, सॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स बाई स्टूडेंट रोल नंबर्स। अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो है शफल। अब शफल क्या करेगी, हमारे पास जो जो आउटपुट मैप फंक्शन से आई होगी, शफल करने का मतलब ये है कि उस आउटपुट को अब हम क्या करेंगे, हर की के अक्रॉस सॉर्ट कर देंगे और हर की के अक्रॉस उसका ग्रुप बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा सेट है और मैंने स्टूडेंट्स के नेम्स के ऊपर क्या किया हुआ है, मैप फंक्शन अप्लाई किया है, तो मेरे पास जो आउटपुट होगी शफल होके वो इस तरह आएगी कि जो एक जैसे नेम वाले स्टूडेंट्स होंगे वो एक प्लेस पर लोड हो जाएंगे। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो है रिड्यूस मेथड, और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं। अब होता ये है कि हमारे पास मैपर फंक्शंस की तरफ से जो शफल की हुई जो भी आउटपुट आती है, रिड्यूसर उसको एज अ इनपुट यूज़ करता है।
और उन आउटपुट्स के ऊपर वो क्या करता है, कोई समरी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। समरी ऑपरेशंस का मतलब है एग्रीगेटेड फंक्शंस लाइक काउंटिंग, लाइक सम, लाइक एवरेज एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, काउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद सीजीपीए ग्रेटर देन 3.0। तो रिड्यूस क्या करता है, हर की के क्रॉस हमें सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट दे देता है। तो अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क की वर्किंग क्या है। तो बेसिकली जो मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क है उसकी कंप्यूटेशन 5 पैरेलल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब ये 5 स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क बेसिकली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले होता क्या है, मैपर एज अ इनपुट कोई इनपुट फाइल लेता है, इनपुट फाइल को वो क्या कर देता है, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देता है और जनरेट क्या करता है, की वैल्यू पेयर्स। अब वो जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं किसी की के अकॉर्डिंग और उनका ग्रुप बना देते हैं। अब वो जो सॉर्टेड की वैल्यू पेयर्स होते हैं वो रिड्यूसर के पास एज अ इनपुट जाते हैं और रिड्यूसर क्या करते हैं, हर की के अक्रॉस एक सिंगल वैल्यू एज अ आउटपुट हमें दे देते हैं। तो ये सिंपल सी वर्किंग है किस रिड्यूस फ्रेमवर्क की। इस स्लाइड में हमारे पास लॉजिकल व्यू है मैप रिड्यूस का। इनपुट से लेकर आउटपुट तक ये एक कंप्लीट नेटवर्क है मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क का। इसके अंदर जो कंबाइन है वो एक ऑप्शनल स्टेप है जिसको हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड बिटवीन द नेटवर्क। अगर हम ये कंबाइन को यूज करते हैं तो इससे हमारी परफॉर्मेंस क्या है, इम्प्रूव हो सकती है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैप रिड्यूस फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस यूज हुए हैं, एक मैप फंक्शन और एक रिड्यूस फंक्शन। मैप फंक्शन क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप के नेम और डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट है और नेम जो है वो उस डॉक्यूमेंट का नेम है। अब होगा क्या, मैप फंक्शन क्या करेगा, हर डॉक्यूमेंट को वर्ड में स्प्लिट कर देगा। वर्ड में स्प्लिट करने के बाद वो हर वर्ड को काउंट करके एज अ रिजल्ट की दे देगा। अब जो रिड्यूस फंक्शन होगा वो हर वर्ड के काउंट को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा। इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद उसने एक एग्रीगेटेड फंक्शन लगाया हुआ है सम का, वो हर वर्ड का टोटल सम दे देगा, जो एक जैसे कीज वाले होंगे उनका टोटल सम दे देगा। अब इस स्लाइड के अंदर हम अपने मैप रिड्यूस के कुछ यूजेस को देखेंगे। मैप रिड्यूस के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ यूजेस हैं और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न बेस्ड सर्चिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्टिंग। अब एक और जो मेजर एडवांटेज है मैप रिड्यूस का वो ये है कि अब मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा की जो प्रोसेसिंग है वो ईजी हो जाती है और इसकी रीज़न है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब ये है कि अब हमारा डाटा जो है वो साथ साथ सॉर्ट हो रहा होता है। अब इससे एक एडवांटेज तो हमें ये होगा कि स्केलिंग और असेसिंग ईजी हो जाएगी और दूसरा हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैप रिड्यूस फंक्शनैलिटी एंड मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। आई होप कि हाँ आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, I am Ahmar Rizwan and today I'll be explaining a bit about MapReduce, just the basics. So what is MapReduce? In technical terms, MapReduce is a programming model and an associated implementation for processing and generating big data sets with a parallel distributed algorithm on a cluster. So what it means, you know, what it tends to mean is that MapReduce is a programming model or a platform that allows us to distribute the processing that we have to do, the complex processing that we have to do on a huge data set. So what it does is that, for example, you've got this huge data set, okay? You've got millions and millions of tuples and you have to perform this very complex processing on it. So performing it on a supercomputer or performing it on a average computer would take a lot of time. So you could use supercomputers, but instead of that, this is a platform that makes us, that gives us the ability to do this without such things. This gives us the ability to divide the processing among different systems or different machines, or in this case, if we were to speak in technical terms of MapReduce, on different nodes.
So we've got our processing being done on different nodes. And the key to MapReduce is that it does this processing in a parallel manner. That means that while one node is processing, the other is too. And all the others are too processing. So you've got many nodes processing at the same time. So what this does is it increases the performance and it decreases the time cost. So why is it gaining popularity? Nowadays, we've got a lot of companies, organizations, governments that have a lot of data to deal with. They can perform their statistical analysis, their graphical analysis, and whatever predictions they have to make and such stuff like that. So what they have is a huge data set, and they have to perform calculations on it or perform complex processing on it. So instead of doing it on a simple average computer, they use MapReduce. They use MapReduce to divide the processing scheme and quicken the search up or quicken the processing. Now, for example, we've got COVID-19 struck today nowadays. What we can do for COVID-19, since we've got a huge data set, and we have to make predictions in order to know about better times to come, hopefully. So what we do is we divide the processing of the huge data into different nodes by using MapReduce. These are the applications of MapReduce, and this MapReduce could be used as an alternative, an attractive alternative to a supercomputer or something with great processing speed. Now, how does it work? Let's give a general example first. Consider a recycling factory. Now, what it does is that you've got huge piles of garbage coming to a recycling factory. You've got this huge mountain of garbage coming, okay? So first, what happens, they're divided into piles. When they're divided into piles, now each pile or each heap is processed on a conveyor belt. What a conveyor belt does is it divides the garbage into plastic and metal and paper and glass. So it divides them to their categories. Okay. So you've got a heap of glass, a heap of metal, a heap of plastic, and a heap of paper, now divided and separated. Now, lastly, what happens is that each of the solid waste type is collected from the conveyor belts and recycled. So MapReduce does something similar. What it does is that you've got a file or you've got a database. You put that file into a Hadoop distributed file system. You use Hadoop distributed file system that will manage the distribution of data. So you give this file to Hadoop management, Hadoop distributed file system, and it will distribute the data among the nodes that are available to you. It will go through the following phases. Firstly, the tuples that you give or the data that you give are in key value pairs. That means there is a specific key that may be unique. Like, for example, you could have a key that's called ID or a key that's called for example, if it's a school, you can have registration numbers and stuff like that. So you've got these keys and you've got value pairs, okay? Key value pairs. And the map and reduce functions are provided by the programmer. So you've got two functions that you provide that we will further discuss later. And you provide them so that you can perform the function on your data. Now, firstly, what happens, like we split the garbage mountain into different piles, we split the input into smaller sized chunks of data. It is 64 MB by default, but you can also change it. Be sure not to keep it too small. I'll tell you why later. Second, we go through mapping. In this phase, we use the map function. What is the map function? Map function is the function that is provided by the programmer that will map the data to some function. Like, for example, if the function is f and your data is x, then you've got fx. Okay?
So we've got fx, and it goes through that mapping, and it's mapped accordingly. Thirdly, we shuffle. This phase combines the relative entries. In this phase, we combine the relative entries. For example, if you've got a key, and we want all the keys to be together, all the values which have the same key to be together, then we can shuffle them in that way. And in the end, we will reduce, which in this phase, the reduce function is applied on the output, and it is aggregated. So the reduce function will be applied on the output that has come from the mapping output. Now, from the mapping, so we'll apply the reduce function on it. Now, this is a basic example. Consider an input that came. Now, we divide it into four nodes, and then we mapped it on a function. Now, our function would be to count the number of times a particular word occurs. Now, in this case, welcome occurs one time, and two occurs one time, Hadoop occurs one time, and so on. So we divide them this way. Now in the shuffling manner, we just shuffle them in a way so that the ones that have the similar key, in this case the key is the word itself, would be grouped together along with their values. The value is the number of times it is occurring. So this happens in shuffling. Next, we reduce it, and after reducing it, we accumulate the number of times it occurred, only in this example, and in the end we've got our final output, which is the word count of every word in this input. Another example that would maybe make it easier would be if you have different colored inputs and they're divided into sets, into nodes basically, and now they're shuffled and reduced to their specific color, and now the output is an arranged output with different colored stacks. Now an example that you might relate to is mapping of bread, mapping of tomatoes to make a burger. So what you do is you cut off the bread, you cut off tomatoes, you perform the function of cutting them, and hence you map them. Now you shuffle them to the way you want, like for example you want burgers. And then finally, you perform the reduce function on them and reduce them to burgers. So we've got burgers. Now these have wide applications and can be applied on the map reduce. Now, some points that we must keep in mind are the one that I told you that I'll speak of later. The data shouldn't be split into too small a size, because in that case, if the size is too small, it'll be really hard. The time cost needed to manage the splits would be more than the time cost needed to process the data. So the size should be small, but not too small as to increase the time cost. One other thing about MapReduce is that it has job trackers, which are masters, and task trackers, which are slaves to the job tracker. What task trackers do is that they send an update of the execution or of the processing of a single node to the job tracker to keep it updated on what's been done and what's still to be done. Now, in case we have a failure, a task failure, or a failure in a node, what happens is the job tracker, since it has been updated, it switches that workload that was on the node that has gone through failure to another node. For example, if this fails, it may transfer that job that this node was doing to another node, maybe over here, maybe over here, somewhere, so that it can continue its processing without any barrier or mistakes. So this job tracker and task tracker are kept for failure, such times when failure would occur. Now
This task tracker also sends a heartbeat to the job tracker, telling the job tracker that it is still alive and processing, and that it has its processing going on, and sends updates from time to time in order to keep the job tracker updated. Thank you very much. Assalamu alaikum. Myself, Namra Manzoor, will discuss the topic of MapReduce. So basically, MapReduce kya cheez hai? MapReduce ek tarah ki processing technique ya platform hai. Hum different tarah ki techniques use karte hain big data ko process karne ke liye, jinme se ek MapReduce hai. MapReduce se hum ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं इन पैरेलल वे, और इसके दो अहम काम है, रिड्यूसिंग का और मैपिंग का. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रिड्यूस मैप यूज क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है. द की रीजन टू परफॉर्म मैपिंग एंड रिड्यूसिंग इज टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस. अगर हम कोई काम एक ही वक्त में सारा इंडिविजुअली करना चाहें तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि अगर हम पैरेलल में उस टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें तो हमें कम टाइम लगेगा. बिल्कुल यही चीज़ हमें डायग्राम में शो की गई है. अब हम बात करते हैं MapReduce एल्गोरिथम की. MapReduce एल्गोरिथम दो इम्पोर्टेंट काम करता है, मैप और रिड्यूस. मैपिंग और रिड्यूसिंग के प्रोग्राम्स प्रोग्रामर या डेवलपर लिखता है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, C++ हो या जावा हो या पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में. तो MapReduce एल्गोरिथम सबसे पहले ये करता है कि डेटा को स्प्लिट करता है फिक्स साइज इनपुट में, जिसको इनपुट स्प्लिंट्स कहते हैं. एक इनपुट स्प्लिंट एक मैप में जाता है, जैसे कि ये मैप फंक्शन दिखाया गया है. फिर मैपिंग होती है, उसमें हर स्प्लिट मैपिंग फंक्शन से पास होता है. मैपिंग फंक्शन कोई भी हो सकता है, वो हम खुद लिखते हैं. फिर शफलिंग होती है, उसमें इस फेस में मैपिंग की आउटपुट आती है और वो उसको असेंबल करता है. फिर रिड्यूसिंग का फंक्शन भी हमने ही लिखा होता है, यानी कि डेवलपर ने लिखा होता है. रिड्यूस फंक्शन एक आउटपुट रिटर्न करता है, मतलब पूरे डाटा को समराइज कर देता है. स्प्लिटिंग और मैपिंग मैप टास्क होते हैं, शफलिंग और रिड्यूसिंग रिड्यूस टास्क होते हैं. मैप रिड्यूस का पूरा फंक्शन इस डायग्राम में शो किया गया है. मैप रिड्यूस एल्गोरिदम के काफ़ी सारे फंक्शन हैं, जिसमें से मेन फंक्शन ये है: इनपुट रीडर, मैप फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, कंपैरिजन फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन एंड आउटपुट राइटर. मैप रिड्यूस की काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होती हैं, जैसे कि अलर्ट सिस्टम, इंडेक्सिंग एंड सर्च, डाटा माइनिंग, स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग, बायोसेंसिंग, ड्रग डिस्कवरी, मेटा जीनोमिक्स, एनर्जी रिस्पॉन्सेस एक्सेट्रा. अब तो ये एप्लीकेशन हो गए. इसके अलावा हम ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रेडिशनल फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता. इसमें लो डाटा इंटेग्रिटी होती है, यानी कि लैक ऑफ स्कीमा, जिसकी वजह से हम MapReduce को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते. थैंक यू. Assalamu alaikum everyone, my name is Mehak Saleem and today we will be talking about MapReduce. MapReduce is a programming architecture which helps processes run parallel and manage huge volumes of datasets. As the name suggests, MapReduce works in two phases. First is map and the second is reduce.
End users define the programming process as a function of map and reduce, and the corresponding fundamental system, which is responsible for running operations, will automatically perform the computations in a parallel manner. Let's discuss in detail how MapReduce architecture works. Before generating the final outcome, MapReduce makes the user input go through multiple following stages. First, input splits. In this phase, the user input is divided into equally sized and fixed length sets, creating key value pairs, which are then sent to map. Each set goes to each map. Then the mapping phase. The mapping function takes divided input sets and processes to generate output key values pairs. Index is the key according to which reducer performs grouping, and value is the actual data which is combined to give us an end result after reducing. This mapping function is defined by the user. Third is shuffling. In this step, records from the map functions are shuffled in order to integrate appropriate records. And the last one is reducing. This step, known as reduce function, combines the value for each distinct index from the previous stage and produces a single valued output. Now discuss these four phases with the help of an example. Consider an example where we will be counting number of word count in an input string. First, the input is divided into multiple chunks and each chunk goes to each map. Input is split into words and each word is counted by map function using word as a key. The framework puts together all pairs with the same key in the shuffling phase and then feed them to the reducer phase. The reducer then combines each distinct key and produces a single output value for each. Since MapReduce lies under the umbrella of Hadoop distributed file system, it also works on the master-slave topology. Within the MapReduce model, the complete implementation is done under the supervision of two main entities. First is JobTracker, which runs on NameNode and is termed as master, which manages the HDFS and acts as a controller of the job. Whereas TaskTracker runs on data node and is termed as a slave, where mapper and reducer program runs. This is a schematic representation of how job and task trackers work. Job tracker divides the main job into multiple tasks and sends them to task trackers. Job tracker is responsible to keep the tracks of all these scheduled activities and coordinate them. Whereas track tracker ensures the execution of each task running on data node and communicates with the job tracker about the performance. In case of any task failure or error, job tracker reschedules the task again and passes it to another data node. It means if any node is incapable of sending back the performance report to job tracker in a given interval of time, that node will be considered dead by the job tracker and it will send the respective node task to another node. This mechanism makes the system reliable. This was all from my side. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. My name is Zair Fasil, and our new presentation map produced here. Content देख लेते हैं. पहले मैं आपको introduction बताऊंगा map produced का. फिर map function के बारे में बताऊंगा. फिर shuffling के बारे में बताऊंगा. फिर reduce function है. फिर map produce workflow और फिर end पे map produce की example. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर प्रोसेसिंग व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ कम्युनिटी क्लस्टर. ये एक मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसे हम डाटा को पैरेलली प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारा टाइम और कॉस्ट सेव होती है. जो मैप रिड्यूस है वो दो मेजर फेजेस में डिवाइड है, एक मैप फंक्शन और एक रिड्यूस फंक्शन. मैप फंक्शन रहता है, इट मैप्स द इनपुट की वैल्यू पेयर्स टू अ सेट ऑफ इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स. मैप्स आर द इंडिविजुअल टास्क दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट रिकॉर्ड इनटू द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स. जैसे कि आप डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और उसके बाद वो मैप हो रहे हैं आउटपुट रिकॉर्ड्स में. आउटपुट डाटा आता है हमारे पास मैपिंग के बाद, और ये इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स हैं, इनपुट की वैल्यू पेयर के अकॉर्डिंगली ये मैपिंग होती है उसकी.
फिर उसके बाद शफलिंग आती है। शफलिंग इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि मैपर और रिड्यूसर के दरमियान होती है। ये शफलिंग वही शफलिंग होती है सिंपल, जो मैपर के मैप फंक्शन के बाद हमारे पास आउटपुट आती है, उसको हम लोग शफल करके किस रिड्यूसर के पास भेजना है वो शफल करके उस रिड्यूसर के पास उसको भेजती है। उसके बाद आता है रिड्यूस फंक्शन। इट रिड्यूसेस अ सेट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज व्हिच शेयर अ की टू अ स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज। ऑल द वैल्यूज व्हिच विद द सेम कीज आर प्रेजेंटेड टू अ सिंगल रिड्यूसर टुगेदर। ये इनपुट हमारी आई है जो कि आउटपुट थी मैपर फंक्शन की। उसके बाद वो शफलिंग के बाद आके रिड्यूस फंक्शन के पास गई और जो रिड्यूस फंक्शन की जो फाइनल आउटपुट है हमारे पास आउटपुट आ जाती है प्रोसेस डाटा। उसके बाद हम मैप रिड्यूस वर्क फ्लो देखते हैं। ये देखिए, ये है MR अप्रोच है। बिग डाटा हमारे पास है, उसको स्प्लिट किया जाता है स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा में। उसके बाद वो मैप फंक्शन के पास जाता है, बीच में शफलिंग होती है, फिर वो रिड्यूस फंक्शन के पास जाता है और फिर ऑल मैचेस हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास फाइनल प्रोसेस डाटा आ जाता है। और ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इट विल सेव आवर टाइम। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल इनपुट हमारे पास ये रॉ डाटा है, डियर डियर रिवर कार रिवर डियर कार रिवर। इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, ये आगे डाटा स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद वो मैप फंक्शन में जा रहा है और उसके बाद हमने हर एक जो हमारे पास इनपुट है उसको एक काम दे दिया। फिर उसके बाद शिफ्टिंग होकर सारा डाटा जिस जो डाटा जिस चीज़ से सिमिलर था वो उस चीज़ से पास आ गया, जैसे डियर बियर था, कार 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 था, डियर डियर था, रिवर रिवर था। शफलिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद वो रिड्यूसिंग प्रोसेस के पास जाएगा। जैसे हमारे पास दो बियर थे तो हमने एक ही बियर कर दिया और उसके बाद उसका काउंट रो कर दिया, तीन कार थी कार लिख के आगे तीन उसका काउंट कर दिया। इस तरह से बाद ये रिड्यूस फंक्शन हो गया और उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट आ गए बियर दो कार थ्री डियर टू रिवर टू। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया और ये हमारा इनपुट डाटा देख रहे हैं और ये आउटपुट डाटा देख रहे हैं, दोनों प्रोसेस डाटा हमारे पास आउटपुट डाटा आ गया। उसके बाद हेडू हम यूज़ करते हैं, एक कह लीजिए फ्रेमवर्क है जो कि मैप रिड्यूस फंक्शन को चलाने के काम आता है। लाइक हेडू इज कैपेबल ऑफ रनिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस सच एज जावा रूबी पाइथन एंड सी प्लस प्लस। आई होप समझ आ गया होगा, थैंक यू सो मच। उस सिचुएशन में यूज़ होता है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा सेट हो जिसका साइज टेराबाइट्स में हो, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल अगर एक ही सिस्टम हो तो उस बड़े डाटा सेट को प्रोसेस करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। मैप रिड्यूस बेसिकली इस लॉजिक को यूज़ करता है कि वो एक बिग डाटा सेट को छोटे चंक्स में डिवाइड करके मल्टीपल प्रोसेसर को दे देता है और एंड पर ये सारा जो मल्टीपल प्रोसेसर ने जो प्रोसेसिंग की है वो सारा डाटा समराइज हो जाता है। तो मैप रिड्यूस बेसिकली एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि बड़े डाटा सेट के ऊपर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। 2014 तक गूगल इस मैप रिड्यूस को अपना प्राइमरी बिग डाटा प्रोसेसिंग मॉडल यूज करते रहे, उसके बाद 2014 के बाद इसको जनरलाइज कर दिया गया था। इसके बेसिक दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक मैपर एक रिड्यूसर। मैपर का बेसिकली ये काम होता है कि मैपर एक इसको एक इनपुट दी जाती है, जैसे कि अभी हमारे पास एक बड़ा डाटा सेट है उसको वो इंटरमीडिएट की वैल्यू पेयर्स में डिवाइड कर देता है और उन इनपुट्स के ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है। मैपर की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो जो हमारे पास इनपुट फाइलों से डाटा लेता है उसके ऊपर कुछ कोड चलाता है उसको प्रोसेस करने के लिए और एक इंटरमीडिएट आउटपुट आ जाती है। इसके बाद एक आती है शफलिंग। शफलिंग बेसिकली हमारे पास डिफरेंट मैपर्स होते हैं और शफलिंग क्या करती है कि हर मैपर से जो रिलेटेड डाटा जो आगे एक रिड्यूसर को देना है वो हर मैपर से वो निकाल के आगे एक उनको यानी वो डाटा जो जिनकी जो की सेम हो सब मैपर से निकाल के एक रिड्यूसर को आगे फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद रिड्यूसर ये करता है कि वो जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ का सेट होता है हमारे पास उन सबको जनरलाइज करके एक स्मॉलर सेट ऑफ वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देता है, यानी बेसिकली ये समराइजेशन का काम कर रहा होता है। हमारे पास बाय डिफॉल्ट तो एक ही रिड्यूसर होता है लेकिन मल्टीपल रिड्यूसर भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन अपनी जो टोटल सेल्स है वो सिटी वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर अ ईयर 2015 इन इंडिया।
इसको हम इस मैपरिड्यूस टेक्निक से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैपर्स होंगे, हमारे पास 12 महीने के लिए हमने 12 मैपर्स इस फंक्शनैलिटी में हम ले आए हैं। हमारे पास 12 मैपर आ गए। अब हर मैपर क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक महीने के लिए हर सिटी की सेल्स निकालेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला मैपर ये जनवरी के लिए हर सिटी की सेल्स निकाल लेगा, दूसरा मैपर है ये फरवरी के लिए कर लेगा। अब इस तरह हमारे पास 12 मैपर आ गए, जो कि अब सिटी वाइज हमने पूरे डाटा सेट को डिवाइड कर दिया। ये इंडिविजुअली अपना काम करेंगे, एंड पे इनके पास इस तरह कुछ चंक्स आ जाएंगे। ये पहले मैपर का ये रिजल्ट आ गए, दूसरे मैपर के ये आ गए। उसके बाद फिर काम होगा शफलिंग का। शफलिंग में क्या होगा कि हमारे पास अब हमारे पास आ गए हैं मल्टीपल रिड्यूसर। हर रिड्यूसर को जॉब दी गई है कि इसने एक स्पेसिफिक सिटी का डाटा जो है उसको समराइज करना है। तो ये काम शफलिंग से होगा कि जो हमारे पास 12 मैपर्स थे, हर मैपर से जाएगा वो एक स्पेसिफिक सिटी का डाटा निकाल के इस रिड्यूसर वन को दे देगा। सभी मैपर से इंडिविजुअली इस सिटी का डाटा निकाल के इस रिड्यूसर को भेज देगा, जो कि इस पे फिर समराइजेशन का काम करेगा। इस तरह हर रिड्यूसर अपना काम करेगा, रिड्यूसर हमारे पास समराइज डाटा आ जाएगा। बेसिकली ये वर्क फ्लो होता है मैप रिड्यूस का। एक बड़ा डाटा सेट था जिसको स्प्लिट करके मैपर्स को दिया गया, मैपर्स ने इंडिविजुअली अपना काम किया, उसके बाद शफलिंग होके अलग अलग रिड्यूसर्स के पास डाटा चला गया, और एंड पे समराइजेशन हो गई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लीद खालिद और आई विल बी एक्सप्लेनिंग माय मैप रिड्यूस असाइनमेंट लेटर में। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैप रिड्यूस बिग डेटा सेट पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को पैरेलल तरीके से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इससे ये मुराद है कि मैप रिड्यूस में हमने अगर किसी चीज अपने कोई एक काम करना है किसी फाइल के ऊपर, हमने फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है, तो वो एक सिस्टम करेगा, और जब उससे हमारे पास एक डाटा जनरेट हो जाएगा जिस पे हमने बाद में अपना समरी ऑपरेशन लगाना है, हमने कैलकुलेट कोई कुछ ना कुछ उससे आउटपुट जनरेट करनी है, जो हमारे पास पहले स्टार्ट में जो हमने फंक्शन लगाए थे जिससे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी रिगार्डिंग फिल्टरिंग या सॉर्टिंग। तो अब ये दोनों चीज़ें हम अलग अलग नोड पे परफॉर्म करें, इसको इस चीज़ को हम मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क से पूरा करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मैप रिड्यूस जो इट एक्चुअली इज स्प्लिट अप्लाई कंबाइन टेक्नोलॉजी है। यानी इससे क्या मुराद है कि हम जैसे कि हमारे पास मैसेज पासिंग इंटरफेस में होता है कि हमारे पास एक मैसेज होता है जिसको आगे सेंड करने के लिए हम उसको पीसेस में डिवाइड करते हैं, और उस पे कोई ना कोई अपना डेटाग्राम पे अप्लाई करने के लिए कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसको सेंड करते हैं, और जिससे वो वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर रिसीव होता है, कंबाइन होता है, और हमारा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर को पास कर रहा होता है। सो इट्स काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर मैप रिड्यूस। लेकिन असल में मैप रिड्यूस की बस यही यूज़ ही नहीं होती। मैप रिड्यूस एक्चुअली इज़ यूज फॉर स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बिटवीन दी ऑल दी नोड्स ऑफ द क्लस्टर और द ग्रिड। यानी अब जितने हम अपने नोड्स क्रिएट करते हैं जिसमें डेटा नोड होती है, नेम नोड होती हैं, तो वो उनके दरमियान में टॉलरेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हम काफ़ी टूल्स यूज़ करते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेन टूल वी यूज इज हडूप अपाची। तो ये एक जावा पे बेस्ड एक फाइल सिस्टम है जिसमें हम अपने पास क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इन क्लस्टर्स का ये फायदा होता है कि हमारे पास जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है मैप रिड्यूस की, जिसमें हमारे पास 3 फंक्शन आते हैं, मैप, शफल और रिड्यूस। तो ये जो 3 हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, ये हमारे पास एक मशीन के ऊपर ऑन थ्रेड डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी अगर मैप का पहला काम होता है कि उसने हमारे पास कोई मेन फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, या अगर वर्ड काउंट की एग्जांपल लें तो उसने सबसे पहले हमारे स्प्लिट करना है पूरी फाइल को, तो वो हमारे पास मैप में होगा। और अगर हमने मल्टीपल नोड्स बनाई हुई हैं तो वो हर नोड पे इंडिविजुअल रन होगा।
और उसके बाद अगला पार्ट आता है शफल का। शफल रिड्यूस को ये डेटा पास करने से पहले उसको शफल कर देता है रिगार्डिंग कीज की वैल्यू के मुताबिक, यानी कि जो सेम कीज़ हैं उनको एक साथ रिड्यूस को प्रोवाइड करता है, और रिड्यूस उस पर समरी का ऑपरेशन लगा देता है, उसको काउंट कर लेता है, या जो उसने आगे वर्ड काउंट का हमारे पास फंक्शन है तो उसको काउंट कर लेगा। तो इसके छोटे से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर ऐसे है कि ये हदूप फाइल सिस्टम मैंने ओपन किया हुआ है, जिसमें अगर मैं स्टार्ट माइनस ओल्ड डॉट सी एम डी करूँ तो मेरे पास दो डेटा नोड और दो नेम नोड जनरेट हो गई हैं। तो जो मेरे पास डेटा नोड होती हैं उसको स्लेव नोड कहा जाता है, जो कि हमारे पास एक्चुअल डेटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो होती हैं नेम नोड वो मेटा डेटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि अब हम कोई भी फंक्शन रन करेंगे, ये एक्चुअली नोड्स बन गई हैं हमारे पास, एक 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 ही हार्डवेयर के ऊपर नोड बन गई हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक वर्चुअलाइजेशन है। यहाँ पर अगर हम अपना फंक्शन रन करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है वर्ड काउंट का, जब हमें इम्प्लीमेंटेड है जो वर्ड्स को काउंट करता है किसी फाइल के अंदर, इसको अगर हम यहाँ पर रन करेंगे तो ये अलग इसको प्रोसेस करेगा और ये अलग प्रोसेस करेगा, दोनों नेम नोड और डेटा नोड पे उसकी वैल्यू सेव करेंगे, और वो अलग इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस की होगी और हमारे पास मेन आउटपुट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे पास, ये हडूप की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मैप रिड्यूस के लिए इस्तेमाल होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट। Assalamu alaikum. So the topic for today is MapReduce. Let's start off by discussing what is MapReduce. Basically, MapReduce is a programming model that is used to process huge amounts of data. Let's take an example of research papers. As you know, there are thousands and thousands of research papers, and we need, for example, we need to find a certain term that occurs in research papers. Now, you cannot open each and every single research paper and count how many times a single word occurred. So, this is where MapReduce comes into action. So, first of all, let's discuss about how MapReduce works. Basically, MapReduce program has two phases. One is map, and the other is reduce. What map task does is it splits the data, and reduce it tends to aggregate all the findings of the mapping data. Now, before we get into why we use MapReduce, let's get into its working. First of all, there are four phases that are splitting, mapping, shuffling, and reducing. Let's take an example of this diagram that I took from a website. Now, the input data was a paragraph that is welcome to Hadoop, class Hadoop is good, Hadoop is bad. What the split does is it splits the data into four. Now, in usual programming, it depends on the Hadoop HDFS and the available space. Usually, it is 264 MB, and it is tried that the splits, they are not very small in size, because that causes a lot of time to be wasted. Okay, so in this example, they've simply split the data into four. Next comes the mapping phase. What the mapping phase does is it counts the number of occurrences that occur in a single sentence. For example, in the single split, for example, in mapping, it maps that welcome occurs one time, two occurs one time, Hadoop occurs one time in a single split. So it basically it maps within a split. All right, in shuffling, now it has to count the number of it for it has to you know take into account how many times a word is coming in all the splits according to the map findings. For example, bad occurred one time, and then Hadoop it occurred three times. So basically shuffling, it put together a single word into one place, like you can see. For example, in mapping we could see it is occurring at two places. So in shuffling phase, it put the is in one place. For example, it tells that there are two is. Now, for example, now comes the next phase, that is reducer. What reducer does is it accumulates, or it sums up the number of times. For example, Hadoop in shuffling, it was said that Hadoop occurred three times. So reducer, it added 111 into three. So the reducer, it tended to accumulate or sum up the findings of the shuffling phase. And this way, the final output was that bad occurred one time, Hadoop occurred three times, is occurred two times.
Now, let me make it clear that it is this occurrence of a single word was just an example to explain the concept. It can be used in many other, you know, scenarios and situations. Let's move on to discussing why we use MapReduce. The first and the primary most reason is parallel processing. And usually sequential processing is done, which takes a lot of time. Parallel processing, on the other hand, it processes chunks of data at the same time and produces results very quickly. Coming to the benefits of the MapReduce, it is used for several benefits, for example, scalability, flexibility, speed, and simplicity. Why scalability? Because we just need to make a few certain changes in the program written for MapReduce, and it can work for any kind of scenario you want your data set, you want to process your data set for. Flexibility, same reason, speed because of parallel processing, and simplicity because it can be used for many other algorithms.